नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। और मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के मरीजों के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। स्किन के जितने भी मरीज हैं या स्किन की जो समस्याएं जिन भी लोगों में आ रही, जिन भी मरीजों में आ रही है, स्किन में अचानक से फेस की, चेहरे की स्किन में जलन होना, चेहरे की स्किन में खुजली होना, चेहरे की स्किन में अचानक से हीटेड लगने लगना, अचानक से कुछ महीनों में, दो तीन महीनों, चार महीनों में बदलाव आने लगना, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं इस बारे में चर्चा करते हैं। यदि आपके चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं, इरप्शंस आ रहे हैं, या ईचिंग हो रही है, दाने निकल आ रहे हैं, कभी खुजली ज़्यादा होती है, जलन होता है, या हीट जैसा महसूस होता है, साथ में आपको पेट में अल्सर्स वगैरह बन रहे हैं या मुंह में छाले आ रहे हैं, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, गैस बनना, डकारें, सांस फूलना, इस तरह की चीज़ें यदि हो रही है तो सावधान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोई स्किन की बीमारी नहीं है, ये कोई स्किन की समस्या नहीं है, ये समस्या है लाइफस्टाइल की, जीवन शैली की। स्किन की बीमारियां हो क्यों रही हैं या कोई भी बीमारी हमें कोई क्यों हो रही है, उसका जो मेन पैरामीटर है वो आपका अभी जीने का तरीका है, अभी आपका सुबह का नाश्ते का तरीका, अभी आपके दोपहर के खाने का तरीका टाइम, और अभी आपके शाम का नाश्ता और रात का खाना पूरा का पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसने आपकी आपके शरीर में बदलाव करना चालू कर दिया है और आपको इसकी भनक तक नहीं है। आपको लगता है आपके चेहरे में एक स्किन की समस्या हो गई है, आपको एक एंटीबायोटिक लेना चाहिए या एक एंटी फंगल ट्रीटमेंट दवाई ले ली आपने, और आपने एक एंटी एलर्जिक ले ली और उसको ठीक कर लिया, पर मुद्दे की बात ये नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि ये आपको क्यों हुआ। ये कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं था, ये कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं था, ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं था, ये तो इसीलिए था क्योंकि आपके बॉडी में जो प्रतिरोधक तंत्र होता है, जो आपके रोगों से लड़ने की क्षमता को बनाए रखता है, वो अब कमजोर हो रहा है और इसी वजह से आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में समस्याएं आ रही हैं। यदि महिलाओं में ये समस्या हो रही है और मेंसेस गड़बड़ हो रहा है, मासिक धर्म अनियमित हो रही है, तो सावधान हो जाइए क्योंकि आपकी बॉडी का हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, मतलब हीट मैकेनिज्म भी गड़बड़ हो जाएगा। यदि स्किन में तकलीफ आ रही है और डाइजेशन गड़बड़ है, तो फोकस कीजिए, आपके सुबह के खाने का जो नाश्ते का टाइम है वो गड़बड़ है, और नाश्ते में फ्रूट्स और स्प्राउट्स ले आइए। यदि आप ऐसे परिवार को बिलोंग करते हैं जहाँ पे पैसों की तंगी होती है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको चने, मूंग, मसूर, उड़द, इनको भिगा देना है, ये बहुत सस्ते मिलते हैं, बहुत महंगे नहीं मिलते, एक एक पौध ले आइए, 100 रुपये में हो जाएगा आपका, 100-150-200 रुपये ज़्यादा, इतने में आपका काम हो जाएगा और महीनों चलेगा, महीने भर चलेगा आपको, थोड़ा थोड़ा भिगा दीजिए और इसको ले लीजिए स्प्राउट्स के फॉर्म में। गुड़ मिल जाएगा आपको, 1 kg गुड़ ले आइए, पूरा महीने चलेगा, 5-10 ग्राम सुबह एक बार खा लीजिए तो आपका काम हो जाएगा, आपका आयरन हो जाए, बन जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप अपने ज़िंदगी में शामिल कीजिए। थोड़ा सा गेहूँ लीजिए, एक गमला लीजिए, उगा दीजिए, अभी तो मौसम अच्छा है, उसकी छोटी छोटी बालियों, गेहूँ की जो वो के प्लांट्स उग जाते हैं जिसको हम जवारे बोलते हैं, उसको काट करके उसका जूस लीजिए। बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, यदि आप उसको करते जाएंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ में वॉक और एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालिए। वॉक हम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते रहते हैं, हमारी बॉडी इस फ्री रेडिकल्स को आउट करना चाहती है, लेकिन बॉडी से पसीना आउट नहीं हो रहा है, पसीना आउट होगा तो ये अपने आप चले जाएंगे बाहर, लेकिन ये नहीं हो पाते हैं, तो फ्री रेडिकल्स जनरेशन बढ़ता जाता है। फ्री रेडिकल्स ऐसे आयंस होते हैं जो आपकी स्किन के टेक्सचर को, आपकी बॉडी में ईचिंग और बहुत सारे सेंसेशंस क्रिएट करते हैं। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपकी समझ में आ रहा होगा। मैं अगली बार स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक को लेकर आपको वीडियो बताऊंगा और उसमें आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या करना है स्किन की बीमारियों के लिए। मैं कुछ मेडिसिन आपको यहाँ पे नीचे लिख कर दूंगा जो कॉमन मेडिसिन हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा। मैं इसमें फोकस यही कर रहा हूँ
थायराइड के ऊपर यदि हम इस तरह के सिम्टम्स लेकर आ रहे हैं तो हो सकता है हम स्किन की बीमारी में नहीं है, हम थायराइड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम थकान महसूस कर रहे हैं, हमारी बॉडी थकी थकी से। मम्मियाँ जनरली दोपहर में आराम कर ही नहीं पाती, एक बच्चा 1:30 बजे आता है, एक बच्चा 3 बजे आता है, मम्मी ढंग से सो ही नहीं पाती। 3 बजे के आसपास यदि आप 2 बजे 3 बजे आप भी यदि खाना खा रहे हैं तो आपका भी स्वास्थ्य खराब होगा। बच्चों की अभी एज है, बच्चे संभाल लेंगे लेकिन आप नहीं संभाल पाएंगे। आपकी 35-36 की उम्र 45-46 की या 55-56 की लगने लगी है, ये मुझे अच्छे तरह से पता है। आशा है या आप मेरे को मेरी ये बातें पसंद आएंगी या समझ में आएंगी। यदि समझ में आ गई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ सीधे बेल आइकॉन हिट कर लेना ताकि नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मेरा इस बात को समझाने का मतलब यही था कि सजग हो जाइए, बीमारियों से बचने के का तरीका यही है कि बीमार ही ना हो, और बीमार नहीं होना है तो लाइफस्टाइल को सुधार लीजिए। मैं हर बार मेरे 540 जितने वीडियो हैं उन सभी वीडियोस में बोल चुका हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।